मारवाड़ी मीडिया आप देख रहे हैं। उत्तर प्रदेश समेत तीन राज्यों में बीजेपी की धमाकेदार जीत के बाद अब राजस्थान के लोग भी यह चर्चाएं कर रहे हैं कि राजस्थान में चुनाव कब है और अगर चुनाव होंगे तो किस पार्टी की क्या स्थिति रहेगी। इन सभी बातों को लेकर आज हम चर्चा करेंगे। देखिए, सबसे पहले आपको बता दूं, उत्तर प्रदेश समेत तीन राज्यों में बीजेपी की जीत के बाद अब बीजेपी की नजर सबसे अधिक राजस्थान पर है क्योंकि यहां कांग्रेस की सरकार है। देखिए, राजस्थान की बात करें तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत राजनीति के मजे हुए खिलाड़ी हैं। अभी हाल ही में बजट के दौरान पुरानी पेंशन फिर से लागू करके गहलोत ने बड़ा मास्टर स्ट्रोक खेला था, लेकिन चार राज्यों में बीजेपी की जीत के सामने यह मास्टर स्ट्रोक भी फीका पड़ने लगा है। हालांकि आपको बता दूं, 2023 विधानसभा चुनाव बीजेपी के लिए भी आसान नहीं है क्योंकि बीजेपी में दो गुट बन गए हैं। हालांकि कांग्रेस में भी दो गुट है, सचिन पायलट गुट और गहलोत गुट, लेकिन कांग्रेस के पास स्टार नेताओं की कमी है, यानी कि नेतृत्व की कमी है। लेकिन हमें यह भी मानना पड़ेगा, राजस्थान बीजेपी के अंदर सीएम के चेहरे को लेकर भी लड़ाई छिड़ी हुई है और यह लड़ाई अब खुलकर भी सामने आ रही है। लेकिन यहां पर मैं आपको बता दूं, बीजेपी का सीधा गणित है, अगर राष्ट्रवाद की लहर चुनाव में काम कर रही है तो फिर सीएम फेस की खास जरूरत नहीं है, यानी कि पार्टी बिना फेस के ही चुनाव जीत सकती है। ऐसे में राजस्थान में सामूहिक नेतृत्व की अपने अब तक की रणनीति पर आगे बढ़ा जा सकता है। देखिए, अंदर की बात आपको बता रहा हूँ, बीजेपी के आला कमान नेताओं को पता है कि राजस्थान में सीएम के चेहरे को लेकर लड़ाई चल रही है और इसी दिशा में काम करते हुए केंद्रीय नेतृत्व ने राज्य के विकल्प के रूप में करीब आधा दर्जन नेताओं की फौज खड़ी कर दी है, जिसमें केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला और सांसद दिया कुमारी जैसे चेहरे प्रमुख हैं। साथ ही मैं आपको यह भी बता दूं, बीजेपी का केंद्रीय नेतृत्व और वसुंधरा राज्य दोनों ही अगली रणनीति के लिए इन पांच राज्यों के चुनावी नतीजों का इंतजार कर रहे थे। इन चुनाव में यह देखना था कि बीजेपी की राष्ट्रवाद की लहर अभी भी मजबूत है या कमजोर पड़ गई है, और इन पांच राज्यों में हुए चुनाव के नतीजों ने बता दिया है कि पार्टी बिना सीएम फेस के ही चुनाव जीत सकती है। लेकिन कांग्रेस के पास नेतृत्व की कमी है और इसका जीता जागता उदाहरण आपने अभी पांच राज्यों के चुनावी नतीजों में देख भी लिया होगा। देखिए, अब की बार 2023 में बीजेपी सीएम का चेहरा पहले घोषित नहीं करेगी, लेकिन कांग्रेस के लिए यहां पर यह मुश्किल खड़ी हो सकती है कि वह सचिन पायलट के नाम पर चुनाव लड़े या मुख्यमंत्री गहलोत के नाम पर, क्योंकि राजस्थान में भी प्रियंका गांधी वाड्रा और राहुल गांधी की जोड़ी कोई खास लोकप्रिय नहीं है। अब देखिए, हम यहाँ पर तीसरे मोर्चे की भी जरूर बात करेंगे क्योंकि पंजाब में आप यानी कि आम आदमी पार्टी की जीत के बाद हनुमान बेनीवाल जरूर खुश नजर आ रहे हैं, लेकिन हनुमान बेनीवाल की पार्टी को अगर तीसरी ताकत बननी है तो अभी काफी मेहनत करनी पड़ेगी क्योंकि राजस्थान में अब अरविंद केजरीवाल भी तीसरी ताकत के रूप में चुनाव लड़ सकते हैं। राजस्थान में तीसरे मोर्चे के लिए एक नई रणनीति पर काम करना होगा, तभी कुछ बात बन सकती है। देखिए, मौजूदा स्थिति की बात करें तो आपने देखा होगा यूपी में योगी आदित्यनाथ की जीत के बाद, यानी कि यूपी में बीजेपी की जीत के बाद जश्न राजस्थान के गांव से लेकर ढाणियों तक मनाया गया और यह आपने देखा भी होगा, उससे संकेत साफ मिलते हैं कि 2023 में कांग्रेस की वापसी के आसार कितने कम नजर आ रहे हैं। आपको याद भी होगा, अभी कुछ ही दिनों पहले अमित शाह जयपुर के दौरे पर आए थे, तब उन्होंने बड़ी बात बोली थी। उन्होंने कहा था कि नरेंद्र मोदी के नाम पर अगला चुनाव लड़ा जाएगा और उस दौरान अमित शाह ने राजस्थान के बीजेपी के सीएम के दावेदारों को आईना दिखाते हुए 75% सीट जीतने का भी दावा किया था। अब आपके मन में यह सवाल भी जरूर उठ रहा होगा कि राजस्थान में विधानसभा चुनाव है कब। तो आपको बता दूं, 2023 के नवंबर या दिसंबर के महीने में चुनाव हो सकते हैं। चुनाव के लिए 17-18 महीने अभी पड़े हैं, कम से कम पौने दो साल का इंतजार चुनाव के लिए करना होगा। और देखिए, मैं मेरे आंकलन से कह रहा हूँ, अगर आज चुनाव हो जाए तो राजस्थान में सबसे अधिक सीटें बीजेपी को मिलेगी और बीजेपी को यह सीटें किसी स्थानीय नेता के नाम पर नहीं बल्कि मोदी और योगी के नाम पर मिलेगी।
हालांकि आने वाले पौने दो साल में कुछ भी हो सकता है, लेकिन यहां पर कांग्रेस को आत्मचिंतन करने की जरूरत है, नया रोड मैप बनाने की जरूरत है। वहीं राजस्थान में अगर तीसरे मोर्चे को ताकत दिखानी है तो उनको भी एक नई रणनीति बनाकर काम करना पड़ेगा, तभी मोदी और योगी की आंधी को रोका जा सकता है। इसे आपको क्या लगता है, अगर आज राजस्थान में चुनाव हो जाए तो कौन जीतेगा? आपकी बहुमूल्य राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। धन्यवाद।